I rejected the offer. All right, everyone. Welcome to another quarantine vlog. Hello, guys. बकवास एंट्री. ऐसी एंट्री नहीं देते मेरे भाई, ऐसी एंट्री नहीं. अपनी एंट्री कैसी होती है? हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, आवन गुड मॉर्निंग फॉर मैडी. सो वेलकम टू अनदर क्वारंटाइन व्लॉग गाइस. आज छोटा सा मोटो व्लॉग करेंगे, उसके बाद हम मुद्दे की बात पे आएंगे. मुद्दे की बात जो है वो आपको टाइटल से पता चल गई है कि मैं किस मुद्दे की बात के बारे में बात कर रहा हूँ. तो आज अभी इसी वक्त शाम के बजे हैं 5:45, 5:46 एग्जैक्टली, और मैं अभी इस टाइम जा रहा हूँ बैटरी शॉप के पास. अब बैटरी शॉप में मैं क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज रॉयल इनफील्ड इज़ नॉट गेटिंग स्टार्टेड. सो मैंने देखा बैटरी का इशू था. मैंने आपको कुछ व्लॉग्स पहले भी बताया था कि बैटरी में प्रॉब्लम है उसकी, तो मैंने बैटरी रिमूव की और अब मैं बैटरी को लेके उसको चार्जिंग के लिए देने जा रहा हूँ. सो आई थॉट टू मेक अ मोटो व्लॉग. और कल मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे वोटिंग करवाई थी कि क्या चाहते हो, आपने कहा मोटो व्लॉग डालो मेरे भाई. सो अभी मोटो व्लॉग कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी छोटी सी जर्नी हो रही है. दुनिया कितनी बदल गई है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया फिर से वही सेम हो गई है, बिकॉज काफ़ी ट्रैफिक हो चुका है. और बीच में से निकल सकता हूँ. यस, रॉयल इनफील्ड की बैटरी का इशू है, बैटरी भी नहीं चल रही है, बैटरी ख़राब हो चुकी है, बहुत दिन से पड़ी थी बाइक, डिस्चार्ज हो गई है. मेरी बेवकूफ़ी ये रही कि मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया बाइक को, और बाइक में वैसे भी कुछ इश्यूज चल रहे थे. उस इश्यूज़ के बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा, बट फिलहाल बैटरी में प्रॉब्लम है, तो मैं इसको एक बार पूरी चार्ज के लिए दे देता हूँ और उसके बाद मैं देखूँगा कि बैटरी सही भी दी थी उस बंदे ने या नहीं दी थी. बिकॉज मैंने बैटरी कितने 5 महीने पहले ली थी ना. हाँ मुझे याद है, मैंने 5 महीने पहले ली थी बैटरी. यहाँ पे क्या हुआ, बैटरी ख़राब भी हो सकती है मे बी, तो मैं फिर एक्सचेंज कराऊंगा, नई बैटरी लूँगा, बिकॉज उसकी 3 साल वारंटी है. बट फिलहाल अभी डिस्चार्ज है, तो हैव टू मेक श्योर कि वो फुल चार्ज हो और उसके बाद हम बाकी प्रोसीजर करेंगे. तो दीज आर दी कॉमन रोड्स दैट आई यूजली टेक वाइल गोइंग टू ऑफिस, वाइल गोइंग टू डेली एंड एवरीथिंग. बट अब बहुत दिनों बाद बाहर निकला हूँ, तो गर्मी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है. जय हनुमान जी, गर्मी भी हो चुकी है और ट्रैफिक भी देख सकते हो आप काफ़ी हो चुका नोएडा में भी. आराम से भाई, आराम से बे. यहाँ से यू टर्न मारेंगे, जैसे यूट्यूब को जूट्यूब बोलते हैं वैसे यूटर्न को जूटर्न बोलते हैं. बिल्कुल लग रहा है क्या इंडिया लॉक भी था कभी? बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा मेरे को. सब चल रहा है मस्त, क्या करें यार, घर बैठे भी सब लोग बोर हो गए हैं, अपने अपने कामों पे तो जाएंगे ही. ये देख लो ट्रिपलिंग कर रहे हैं पुलिस वाले के सामने, मतलब नहीं है. अरे यार एक चीज़ बताओ गाइस, आप चाहते हो कि मैं डेली ऑब्जर्वेशन भी करूं कभी कभी? बिकॉज मैं ऐसे मोटो व्लॉग कर रहा हूं, अगर कोई डेली ऑब्जर्वेशन का कुछ कंटेंट भी मिल जाए तो वो भी मज़ा आ जाएगा. लो जी, अपन तो आगे शॉप पे, यहीं पे सूरी की भी वो पल्सर की बैटरी चेंज करवाई थी, और यहाँ पे अपनी कराएंगे रॉयल इनफील्ड की. फ़ोन किया था अभी आपको, वो बैटरी चार्ज करनी है. हाँ बुलेट की है, एक बार एक ये भी चेक करो कि इसमें बैटरी वैसे सही है नहीं, क्योंकि 5 महीने हुए यार इसको ले हुए. 5 महीने हुए बस? हाँ, बार बार डिस्चार्ज ही हो रही है पता नहीं क्यों. A few moments later. ठीक है कल आता, थैंक यू. ऑलराइट, तो उस शॉप में प्रॉब्लम थी, मतलब उस शॉप वाले ने कहा कि अगर आपकी बैटरी वारंटी में है तो आप यहाँ दे दो. तो मैं अमेरोन के सेंटर में आया था, बैटरी दे चुका हूँ, एंड आई विल गेट दी बैटरी टुमारो. अगर गलती ख़राब हुई तो आई गेट दी न्यू वन फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर नहीं हुई तो मेरे पास वारंटी कार्ड मुझे ढूंढना पड़ेगा, हैव टू सर्च इट. ट्रैफिक देख लो कितना, ये है भाई नोएडा.
यूपी का सबसे फेमस सिटी, चढ़ा दे मेरे ऊपर वैन। दिस कलर अट्रैक्ट्स मैनी पीपल, सब लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कौन सी बाइक है, कौन सी बाइक है। हाँ, इट फील्स गुड, इट फील्स गुड, इट फील्स गुड। रुक जा बाप बाप। ऑलराइट गाइस, सो बैटरी तो मैं शॉप पे दे के आ चुका हूँ और कल सुबह तक वो बैटरी मिल जाएगी, फिर अपनी रॉयल इनफील्ड स्टार्ट हो जाएगी और डेफिनेटली रॉयल इनफील्ड पे फिर व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी कि मैडी भाई आरी पे क्यों नहीं व्लॉग कर रहा, आरी पे छोटी मोटी राइड करो। तो डेफिनेटली राइड होगी, बहुत जल्दी हो रही है, छोटी मोटी राइड तो करेंगे करेंगे, आरी पे भी करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी आ सकते हैं। बिकॉज मुझे डाउट है कि उसमें इंजन में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो मैं डेफिनेटली सही करवाऊंगा बिल्कुल टिप टॉप। वेल एनीवेज, आज के व्लॉग के टॉपिक पे फाइनली आते हैं कि क्या ऐसा हुआ जो मुझे आज का व्लॉग बनाना पड़ा। बेसिकली आज का जो व्लॉग है इट्स ऑल अबाउट स्टैंडिंग विद द कंट्री, स्टैंडिंग विद व्हाट एवर द सिचुएशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, बिकॉज इंडिया इज ऑलरेडी बैंड 59 चाइनीज ऐप्स। और मेरे साथ भी एक ऐसा किस्सा हुआ जो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, व्लॉग का टाइटल देख के आपको पता चल गया है। सो एंगल चेंज करते हैं और फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। सो बेसिकली हुआ ये था कि लास्ट वीक मुझे एक मेल आई थी अबाउट दी स्पॉन्सरशिप और वो कुछ अपने प्रोडक्ट्स की स्पॉन्सरशिप करवाना चाहते थे मुझसे। इनफैक्ट ये अप्रैल में भी एक मेल आई थी मेरे को, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। और अभी जो मेल आई उसमें उन्होंने काफ़ी यू नो दे गेव मी वेरी गुड प्राइस, दे गेव मी वेरी गुड अमाउंट की जिससे मैं यू नो उनके प्रोडक्ट्स की स्पॉन्सरशिप करूँ। बिकॉज दे न्यू कि कुछ ना कुछ इंडिया में चल रहा है, चाइनीज़ कंपनीज़ को प्रॉब्लम हो रही है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उनको पता है कि काफ़ी टेंस सिचुएशन है LAC में, इंडिया और चाइना की लद्दाख वाले रीजन में, तो गलवान वैली में आप लोगों को पता है क्या चल रहा है, क्या जितने भी सिचुएशन बहुत ख़राब है, इंडियन 20 इंडियन सोल्जर्स इस टाइम पर मार्टर्ड हो चुके हैं, तो अब उनकी चाइनीज़ कंपनी में लॉस हो सकता है। सो इसलिए वो बहुत अच्छा अमाउंट दे रहे हैं यूट्यूबर्स को या फिर बहुत अच्छा अमाउंट दे रहे हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को, सो दैट दे कैन प्रमोट देयर यू नो दे कैन प्रमोट देयर प्रोडक्ट। तो वैसे ही कुछ लास्ट वीक मुझे मेल आई थी, उसमें प्रॉपर उन्होंने डिटेल्स में लिखा था कि आपको इतना एफिलिएट का मिलेगा, आपको इसका इतना मिलेगा, अगर आप एक वीडियो बनाओगे उसमें इतना इतना मिलेगा आपको। तो मैं आपको एक मेल का स्नैपशॉट दिखाना चाहता हूँ बिकॉज फॉर दी प्रूफ कि एक्चुअली मुझे मेल आई थी एंड डेफिनेटली आई रिजेक्टेड दैट ऑफर जस्ट बिकॉज ऑफ इट वॉज अ चाइनीज प्रोडक्ट। मुझे वो चाइनीज कंपनी को प्रमोट नहीं करना था। और उसके बाद भी काफ़ी सारी मेल्स इस टाइम पे आ रही हैं यूट्यूबर्स को, मैंने अपने कुछ यूट्यूबर्स फ्रेंड उनसे भी बात की तो दे आर ऑल्सो गेटिंग द मेल्स फ्रॉम चाइनीज कंपनी और वो लोग बोल रहे हैं कि वी कैन गिव यू यू नो आप जितना अमाउंट बोलो आप दे सकते हैं, मतलब इतना भी नहीं बट एटलीस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यू नो व्यूज एंड ऑल एवरीथिंग। तो मुझे मेल आई थी एंड दे गेव मी ऑलमोस्ट $200 स्पॉन्सरशिप, $200 की स्पॉन्सरशिप दे वर गिविंग मी अप्रॉक्सीमेटली ₹15,000 फॉर जस्ट मेकिंग अ सिंगल वीडियो। उसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी दे रहे थे, दे वॉन्टेड मी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स वगैरह भी डालूँ और वो कंपनी बहुत अच्छी गाइस, ट्रस्ट मी, मैंने उस कंपनी से पहले भी सामान लिया हुआ है और आप लोगों को भी वो कंपनी डेफिनेटली यू आर इन टच विद दैट कंपनी। और मेरा सीरियसली बहुत ज़्यादा मूड खराब था उस टाइम पर जब इंडिया की 20 सोल्जर्स और जब वो शहीद हुए, तो मतलब मेरा मन था कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता यार, लिटरली मतलब ये 14-15 हज़ार पे छोड़ो। और आई टुक द डिसीजन ऑफ यू नो रिजेक्टिंग दिस ऑफर। और मैं आप लोगों को इसलिए ये चीज़ बताना बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दिस चैनल, यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली और आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर मैं आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दूँ जो कि चाइनीज़ हो, आप लोग भी मुझे गाली दोगे और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कोई भी चीज़ दूँ। अगर आप अभी भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो उसमें अमेज़ॉन के लिंक्स ही हैं। मेरे पास टिकटॉक नहीं था पहले भी, तो मेरे को इतने कुछ इश्यूज़ नहीं आए, लेकिन जो लोग टिकटॉक पे हैं इस टाइम पे इंडियंस, तो मैं आपको डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगा आप टिकटॉक फ़िलहाल के लिए डिलीट ही कर दो, बिल्कुल ही अनइंस्टॉल कर दो, बिकॉज इस टाइम पे यार हमें सोल्जर्स के साथ देना है। अगर आप गवर्नमेंट को नहीं मानते हो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट सोल्जर्स को तो रिस्पेक्ट करते हो। तो मेरे लिए तो भाई, मेरे लिए तो मैं बस यही करना चाहता हूँ, लिटरली आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फेस इन फ्रंट ऑफ यू, ये मेरे पास पेपर है, आई रिजेक्टेड द चाइनीज ऑफर। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने लिखा आई रिजेक्टेड द चाइनीज ऑफर, इसमें बेसिकली दो सेंटीमेंट जुड़े हैं। पहला सेंटीमेंट ये है कि वी आर सपोर्टिंग इंडिया राइट नाउ। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारे प्रोडक्ट जितने भी मेरे पास चाइनीज, इनफैक्ट आई हैव वन प्लस, तो ये मेरा चाइनीज़ फ़ोन ही है, कंपनी अच्छी है बट इट इज़ फ्रॉम चाइना। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको फेंक दूंगा,
सपोर्टिंग इंडियन गवर्नमेंट या फिर अगेंस्ट द चाइनीज का ये मतलब है कि जितना आप मैक्सिमम कम यूज कर सकते हो चाइनीज ऐप्स का, चाइनीज कंपनी का, तो आप उतना कम यूज करो। मेरा इस जो योगदान है, बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरा योगदान ये है कि मैंने 15,000 रुपीज या जो भी स्पॉन्सरशिप थी मेरे को, वो मैंने रिजेक्ट की। और मैं आप लोगों को ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर आप लोग भी एक यूट्यूबर हो या फिर आप लोग भी कोई भी ऐप्स यूज़ कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जो कि चाइनीज़ कंपनी से है और आप उसको छोड़ सकते हो, यू स्टिल कैन लिव विदाउट दैट, देन प्लीज़ लीव दैट प्रोडक्ट, लीव दैट ऐप, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशल टाइम राइट नाउ, वी हैव टू स्टैंड विद इंडिया। और डेफिनेटली वो उस कंपनी की बहुत अच्छी है, इट इज़ वन ऑफ द टॉप 2 कंपनीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जस्ट लाइक द अली एक्सप्रेस, हिंट दे रहा था मैं आपको, जस्ट जैसे अली एक्सप्रेस है ना वैसी ही वो कंपनी है, बहुत अच्छी है, गेस कर सकते हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ऐसा नहीं कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी अच्छी है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई डोंट सपोर्ट, आई एम अगेंस्ट इट, आई हैव टू टर्न दिस पेपर अप, आई रिजेक्टेड द ऑफर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस व्लॉग, होपफुली आपको ये व्लॉग छोटा सा अच्छा लगा हो, मैसेज मिला हो, छोटा सा मोटो व्लॉग भी अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द व्लॉग, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस व्लॉग विद योर फ्रेंड्स। तो जो लोग चाइना की ऐप अभी भी यूज़ कर रहे हैं उनको बोलो चाइना की ऐप मत यूज़ करो, चाइना के प्रोडक्ट जितने कम हो सके यूज़ करो, एटलीस्ट हम बॉर्डर पर नहीं तो घर बैठ के तो कुछ कर सकते हैं, तो अब हम यही कर सकते हैं, वी हैव टू चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए नो कर दो, अब कोई ज़रूरत नहीं चाइना को सपोर्ट करने की या फिर उसकी ऐप्स को यूज़ करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में विद सम राइड, डेफिनेटली राइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इज गुड परफॉर्मेंस, आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन राइड एंड राइड सेफ, राइड हैप्पी, राइड कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खाओ भी मजे करो गाइस, ऐश करो, क्या पता कल होना हो, इस लाइफ में जो करना है करो। Till then, stay home, stay safe, stay happy.